Assalamualaikum guys, my name is Abdullah Khan and welcome to another vlog. And now I'm sitting in the car because I have to leave my daughter to leave the art council because there is a function. So the rest of the things I'm going to do. Bye bye. Let's go to the house. Assalamualaikum. तो मैं वापस आ गया हूँ घर और अभी कोई 2:30 बज रहे हैं और मैंने अभी अपने एक दोस्त के घर जाना है लेकिन मैंने पहले तो अपने बॉय को पिक करना होता है ना शयान को लेकिन इस बार वो मुझे पिक करेगा सो वी विल वेट फॉर दैट उससे पहले थोड़ा चिल मारूंगा अभी उसका मेरे कारी साहब आएंगे कारी साहब से पढ़ के फिर मेरा बॉय आएगा मुझे पिक करने और फिर हम यजदान के घर जाएंगे भट्टी साहब के घर तो आज का दिन इसी तरह होगा तो मैं अब जरा चिल मारता हूँ आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करें गाइस अभी मेरे साथ कोई इतनी मजे की स्टोरी हुई है तो बात ये हुई मैंने नोटिस किया है कि मेरा कैमरा है ना इसके जो लेंस है इसके अंदर पानी है बहुत मॉइस्चराइज्ड है तो मैं फौरन गया हूँ मैंने एक चावल की प्याला लिया है ड्राई चावल का और उसके अंदर इसका रख दिया वजह क्योंकि जो चावल होते हैं ना वो जज़ब करते हैं मॉइस्चर को इस वजह से तो जब मैंने उसके अंदर रखा तो मैंने साथ में देखा कि हेयर ड्राई भी पड़ा हुआ था तो मैंने एक और टिप्पणी की उसकी मैंने हल्के से चावल को साइडों पर किया और हेयर ड्राई को ना ऑन करके उसके ऊपर करने लग गया लाइक फुल लो उसकी स्पीड रखी और उसके करीब जाके हल्का हल्का काइंड ऑफ हॉट एयर स्प्रे करने लग गया तो पता ही नहीं लगा कि लेंस माशाल्लाह बिल्कुल सही होगी बिल्कुल सही तो नहीं खैर लेकिन काफ़ी हद तक मतलब कि क्लियर हो गया मैं लाइक आई कैन शूट वीडियोस तो ये अभी अभी हुआ है मेरे साथ एंड दैट अल्लाह का शुक्र है सही हो गया यार पानी पता नहीं किस तरह तक घुस गया था तो अभी तो मैं अपने आईपैड पर फिल्म कर रहा हूँ सो लेट्स स्विच बैक टू माय कैमरा यो तो लेट्स कंटिन्यू चिलिंग तो गाइस अभी कोई 4:20 हो रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त कोई 2:30 बज रहे थे तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया कारी साहब नहीं आ रहे क्योंकि जो मेरा दोस्त है शयान वो जल्दी आ रहा है उसका कोई मसला हो गया था तो उस वजह से जल्दी आना पड़ रहा है तो इस वजह से मैं कारी साहब से आज नहीं पढ़ूंगा तो आप तैयारी पकड़ते हैं इससे पहले वो आ जाए सो लेट्स चेंज और हाँ चेंजिंग के लिए आप लोगों को अगर नहीं पता तो बता देते हैं मैजिक ट्रिक करता हूँ मैं मैजिक ट्रिक के लिए किसी जगह बनानी पड़ेगी ओके सो लेट्स डू इट देयर यू गो तो अब हम तैयार हो गए चलो गुड है और अब सिर्फ रह गया है एक ही काम अपने बॉय का इंतजार करने का लामा भाई का इंतजार करना है अभी यार लामा भाई आ गए ये पहन लेते हैं ये मेरी काफी पुरानी वॉच है इसकी भी स्टोरी कभी बताऊंगा आप लोगों को लेकिन अभी आ गया दोस्त तो हम तैयारी पकड़ते हैं वापस माजी अस्सलाम वालेकुम लामा भाई चलो चलो मिले मैम पहले हाँ जी हम मिले हैं अच्छा
ये गंदा हो चाहे है ना लामा भाई है ना आपका व्लॉग वाले भाई याद है यार आप हो नहीं व्लॉग वाले भाई चल मैं भट्टी अच्छा अब आप व्लॉग वाले भाइयों भट्टी की बतखें ये भट्टी के कबूतर भट्टी साहब यार इतने सारे कबूतर कितने भट्टी है 50 70 बस बच्चे भी हैं यार मिले हुए हैं ए मैगी कहाँ भागी कहाँ भागी ओ भागी ओ भागी कैसी है मैगी क्या यार बहुत प्यारी बिल्ली है माशाल्लाह क्या क्या माशाल्लाह बट्टी वैसे तेरे पास एक ही अच्छी चीज है वो तेरी बिल्ली है क्या इसका नोकिया क्या है क्या पासवर्ड किसका पासवर्ड इसका तेरे ईवो का पासवर्ड जीरो 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 मुझे आते भैया देख लेते हैं पासवर्ड परेशान नहीं होते लामा भाई काट देख वो भी कह रही के परेशान नहीं होते काट मैं डाल दूंगा वीडियो में ये वीडियो में नहीं ये असल असलियत देखें इस बच्चे की बिल्ली को कहते हैं लग दी लानत पागल ये ले मलेरिया नूब मत ये यार बच्चा ये ना डाली होली में बहुत खतरनाक है पेड़ इनका अभी हमारा प्लान बन रहा है ड्रोन उड़ाने का लेकिन ये ड्रोन हो रहा है चार्ज तो अभी तो हम थोड़ा सा वेट करें फिर इंशाल्लाह ड्रोन भी उड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला वो फोर्टनाइट खेल रहे साहब जी बिल्ली चिल कर रही है मसले भट्टी गया हुआ है और इसे दौड़े चढ़ जाते हैं तो ये यजदान साहब का ड्रोन है अभी इंशाल्लाह से उड़ाते अगर हो सके तो फुटेज अगर मिल गई तो अच्छी बात है वरना सैड लाइफ ये भाई बाहर भी है फिर भी फोर्टनाइट ही खेलनी है ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में पहले मुझे उड़ाने दो हाँ ऐसे उड़ाने दे ड्रोन की स्पेलिंग आती है नहीं भट्टी छरे वाले गना से जब ने भी काम किए सीक्रेट इट्स अ सीक्रेट है ना क्या काम किया भट्टी यार कुछ ज्यादा नहीं किया बस दो तीन गाड़ियों को मारा चलती हुई गाड़ियों का और वो अंकल इस तक पीछे करके देखते थे ये क्या हुआ है चांद आमिर ने किया हमने तो कुछ किया नहीं सब चांद और लामा भाई उनका सबसे फेमस हलवा लामा भाई को खिला रहा है लेकिन लामा भाई नहीं खा रहे क्यों क्यों लामा भाई को सोहन हलवा नहीं अच्छा लगता क्या कह रहे हो लड़के क्या कह रहे हो लड़के भट्टी और मैं तो खा रहे भाई इतना अच्छी चीज और तू नहीं खा रहा मिसिंग इट मैं खा रहा नहीं कहता भूखा ओए भट्टी ओए ऊनो खेल रहे हैं फर्स्ट नेम क्या था ऊनो खेल रहे हैं हाँ जी हाँ जी ऊनो खेल रहे हैं कौन जीतेगा अच्छा गाइस अभी ना हम सारे बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं और मेरा बिल्कुल फोन डेड होने वाला है तो मैं ये रिकॉर्ड शायद ना कर सकूं अल्लाह करे कर सकूं लेकिन अभी चार्जिंग पर है तो फिर बाद में मिलते हैं मारेगी जाओ ओ
क्या हुआ? बाय बट्टी, बाय 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 शायन, बल्कि तू तो साथ ही आ रहा है। चल भाई बड़ी, थैंक यू फॉर द पार्टी यार। नो प्रॉब्लम। व्लॉग वाले भाइयों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सॉरी गाइस, रास्ते में मेरी कैमरा की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, तो मैं जब घर पहुंचा उसके बाद मैंने आधा घंटा थोड़ा चिल किया और उसे चार्ज किया ताकि आप लोगों से मैं बात कर सकूँ। और बस अभी बात करते हैं, एक मिनट। लाइट जरा हम सही कर लें, ये और एक और चीज भी है, लेंस भी लगा लेते हैं हम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये चलो। हो तो यजदान के घर बहुत मजा आया हमें, इन्जॉय किया। एक्चुअली ये ज़्यादा है मज़े का सुरसा था क्योंकि मैं ब्लूमफील्ड हॉल छोड़ चुका हूँ, तो ये मेरे ब्लूमफील्ड हॉल के दोस्त हैं, हर रोज़ मिलते भी नहीं अब तो, इट वॉज़ काइंड ऑफ गुड कूल। तो बाकी आप लोगों को होपफुली अच्छा लगा होगा व्लॉग, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मेरी बस हो गई है, मैं ज़रा सोना चाहता हूँ, सोऊँगा तो नहीं खैर, लेकिन लेटना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ, तो मैं आपको मिलूँगा अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़रूरी हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, टेक केयर। Yeah, too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who be following me when I never thought it would happen and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough.